Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself, Abhishek Kumar, and you are the mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the cell, the unit of life. It means how to life form through cell, because we each know cell is the basic unit of life. So in this particular chapter, we detail discuss about cell. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friend. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the super box and about section on my channel. So please go through about section on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new video. So today I will discuss about ribosome. In our previous video, we discussed about chloroplast. है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. उसके पहले मैंने माइटोकांड्रिया के बारे में डिस्कस किया था, बट आज के वीडियो में राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे. राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को किसने खोजा, इसका फंक्शन क्या होता है, किस किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकेरियोट में किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकेरियोट में किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट वी रीड फॉर रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट एलाबोरेट ईच एंड एवरीथिंग इन सिंपल एंड इजी वर्ड्स. सो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इनके पास क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है. प्रोटीन फैक्ट्री इनके पास क्या होगी भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री होगी, यानी ये प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे और सिक्रीशन करेंगे. ठीक है, अब राइबोसोम को किसने खोजा था, राइबोसोम को किसने खोजा था, राइबोसोम को किसने खोजा था, जॉर्ज पलाडे ने खोजा था. कब खोजा था, 1953 में खोजा था. ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि राइबोसोम की डिस्कवरी थी, किसने खोजा था, किसने ऑब्जर्व किया था, तो हम बोलेंगे जॉर्ज पलाडे साहब ने 1953 में राइबोसोम को खोजा था. ठीक है, देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा गया है. राइबोसोम, राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम होते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होंगे, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, छोटे छोटे ऐसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, ग्रैनुल मतलब छोटे छोटे ऐसे 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 स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पलाडे. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राइबोसोम होते हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही, ग्रेनुल्स तो बहुत छोटा हुआ ना, ग्रेनुल्स हुआ तो बहुत छोटे छोटे हुए है ना. अब छोटी छोटी चीज़ को देखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सारे सेल के ऑर्गेनल्स की हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए है ना. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है, चीज़ों को बहुत जूम कर देता है, छोटी से छोटी चीज़ को भी हम देख सकते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी सेल की स्टडी के लिए. कब खोजा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया था 1950 में खोजा गया था, 1950 में माइक्रोस्कोप खोजा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा अर्नेस्ट रस्का ने खोजा, अन्य रस्का नाम के साइंटिस्ट ने खोजा. ठीक है, उसके तीन साल बाद क्या हुई, राइबोसोम की डिस्कवरी हुई. ठीक है, जॉर्ज पलाडे साहब ने 3 साल बाद अपनी डिस्कवरी की राइबोसोम पे, राइबोसोम को खोज के बताया कि भाई राइबोसोम जो होते हैं डेंस पार्टिकल होते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खोजा. यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के 3 साल बाद, इन्वेंशन के 3 साल बाद जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम को खोजा. याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हमसे. ठीक है, आगे देखते हैं. दे आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो राइबोसोम होते हैं किसके बने हुए होते हैं, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं. यानी क्या हुआ, राइबोसोम में क्या हुआ, राइबोसोम जो हुए इसमें क्या क्या आएगा, आरएनए आएगा. राइबोसोम में क्या है, आरएनए आएगा और क्या आएगा, प्रोटीन आएगा ना. राइबोसोम जो बने होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है ना. जो राइबोसोम बनता कहाँ पे, राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, राइबोसोम कहाँ बनेगा ये बनेगा न्यूक्लियोलस में बनेगा. बट कहाँ पे पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. यानी न्यूक्लियस की, राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, न्यूक्लियोलस में होगी, बट ये पाया कहाँ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, ये याद रखेंगे. ठीक है, किससे मिलके बना होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से यानी आरएनए से और प्रोटीन से मिलके बना होता है. नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. मैंने आपको बताया था राइबोसोम जो होगा ये क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा.
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। ये इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम भी 70S प्रकार के होते हैं, बट उसमें जो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा वो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, मेमोराइज हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, जो यूकैरियोट राइबोसोम होंगे, यूकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो किस तरह के राइबोसोम होंगे, 80S प्रकार के होंगे। 80S प्रकार की जो 80S राइबोसोम की जो सब यूनिट होंगी कौन कौन सी होंगी, एक 60S हो जाएगी और एक 40S हो जाएगी। इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे हम तो ये 100S हो जाएगी, यानी 100S हो जाएंगे। तो 100S नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में दे देगा 60S, 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट हुई 60S और 40S, तो इन दोनों को जब साथ मिला के करेंगे तो कितने राइबोसोम बनाएंगे, कितने एस के राइबोसोम बनाएंगे, तो ऑप्शन में हमको दे सकता है 100S, है ना। तो ये गलत है, कैसा बनाएगा वो, 80S का राइबोसोम बनाएगा, है ना। जो प्रोकैरियोट राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, 70S के होते हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होंगे 70S प्रकार के होंगे। इनकी जो 70S प्रकार के राइबोसोम की जो यूनिट होती हैं कौन सी होगी, 50S हो जाएगी और यानी 50S हो जाएगी और 30S हो जाएगी, है ना। ये दोनों को अगर मिला के ऐसे हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो 80S होता है, बट ये गलत है, ये गलत है। ये दोनों मिला के कैसे 70S बनाती हैं, 70S के राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। 80S के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में तो 70S के ही पाए जाएंगे, बट यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S के पाए जाएंगे, ठीक है। यस क्या होता है, हेयर, यस हमको यहाँ पे बताया है कि यस क्या है भाई, सेडवर्ग यूनिट है, सेडवर्ग यूनिट है, याद रखेंगे। हमसे पूछ सकता है यस किसी का नाम है या सेडवर्ग यूनिट है, क्वेश्चन में आ सकता है, बट क्या है याद कर रखेंगे, यस इज सेडवर्ग यूनिट। स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन, ये क्या करती है, यस किसके लिए स्टैंड करती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, है ना। सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट का मतलब हुआ कि चीज़ें कि कितनी चीज़ें जो हैं सेडिमेंट, मतलब कितनी जल्दी सेडिमेंट हो रही हैं, यानी चीज़ों जमीन पे बैठ रही हैं। मान लो हम इसका एक सेंट्रीफ्यूगेशन का हम एक एग्जांपल लें, जैसे ब्लड बैंक में, ब्लड लैब में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, वहाँ पे हम प्लाज्मा को अलग करते हैं जब, है ना, EDTA में ब्लड रखते हैं, उसके बाद राउंडेड उसको इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलाते हैं, सेडिमेंटेड मशीन होती है। इसका हम एग्जाम्पल घर पर भी बना सकते हैं, सेडिमेंटेशन मशीन का एग्जाम्पल हम घर पर भी बना सकते हैं। हम अपने एक घर पर क्या लें, बकेट लें, क्या लें, घर पे बकेट लें, घर पे बाल्टी लें, ठीक है, बाल्टी लें, डिब्बा लें, इसमें, ठीक है, ये बाल्टी हो गई, ठीक है, इसमें भर लो, पानी भर लो, ठीक, और इसमें सॉइल के पार्टिकल डाल लो, क्या डाल लो, सॉइल के पार्टिकल डाल लो इसमें, है ना, और क्या ले लो, वाटर ले लो, वाटर ले लो। अब इसमें एक स्टीयर डाल दो, है ना, इसको ऐसी चीज़ से इसको हिलाओ, है ना, पानी और सॉइल के पार्टिकल को गोल गोल घुमाइए बाल्टी में, ठीक है। तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, सॉइल के, जब आप घुमाना बंद कर देंगे तो सॉइल के पार्टिकल होंगे ना यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएंगे बीच के इसकी तलटी पे, यानी बीचों बीच आके इकट्ठे हो जाएंगे। बीचों बीच आके इकट्ठे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल का जो साइज है, सॉरी डेंसिटी है, ना, वो ज़्यादा है, सॉइल के पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए सॉइल के पार्टिकल जो हैं बकेट के नीचे तलहटी पे बैठ जाएंगे, है ना। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, इसी को सेडिमेंटेशन ऐसे मतलब इनडायरेक्टली डेंसिटी को मेजर करता है, सिंपल तरीके से बताया, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। सेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इट इनडायरेक्टली, ये क्या करती है, ये इनडायरेक्टली मेजर करती है डेंसिटी और साइज को, है ना, ये डेंसिटी और साइज को इनडायरेक्टली मेजर करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, जो सेडिमेंटल कॉफिशिएंट होता है ये काम क्या करता है, तो इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट, है ना, मैंने आपको बताया था 70S और 80S के राइबोसोम होते हैं, दोनों की दो दो सब यूनिट होती हैं, है ना, दो दो सब यूनिट रहती है। 70S के बारे की क्या होती है, 50S होती है, 50S होती है और 30S होती है, और इसकी 80S वाली की 60S होती है और 40S सब यूनिट होती हैं, है ना। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इन दोनों में क्या है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड करेगी और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी, ठीक है। सो
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर लिया अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम आगे एक अपना फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और मेरे से जुड़े रहें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।